स्वागत है आप सबका। ये है मेरा गांव मेरा देश सीरीज उत्तर प्रदेश एपिसोड नंबर 4। आज के इस एपिसोड में मैं आपको अपने पुश्तैनी गांव लेकर चलूंगा जहां पर मैं पैदा हुआ था। तो चलिए आप भी चलिए मेरे साथ और देखिए कैसा है ये गांव और कैसा दिखता है ये गांव 15 साल के बाद। एक टाइम था जब ये सब कच्चे रास्ते होते थे और ये बहुत चौड़े रास्ते लगा करते थे मुझे तो, पर आज छोटी सी सड़क रह गई है। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। ये जगह बिल्कुल बदली नहीं है, आज भी वैसी ही है, वही एक बिटोड़ा, वही ट्रांसफार्मर, ये दो पानी की होदियाँ सड़क के नीचे से उस तरफ पानी लेके जाने के लिए, और वो ट्यूबवेल बिल्कुल वैसा ही है। पीली सरसों खेतों में लगी है, पीछे गन्ने के खेत हैं और ये अरंड। एक और ट्यूबवेल है ये जो आपको दिख रही है। जब हम छोटे होते थे इस सड़क से मेन रोड तक जाते थे, और हमारे यहाँ क्योंकि टीवी नहीं थे हर घर में, तो पैसे इकट्ठे करके हम नागल, जो यहाँ से करीब 12-15 किलोमीटर दूर है, नागल जाके वहाँ से VCR, वो कैसेट रिकॉर्डर वाला VCR, वो लेकर के आया करते थे और रात में 4 या 5 फिल्में देखते थे। पूरा गांव बैठकर देखता था क्योंकि पूरा गांव कॉन्ट्रिक करके ही लाया करता था। भोपाल की ट्यूबवेल में हम बहुत नहाया करते थे। वहाँ पे एक कच्चा कोठा होता था पेड़ आम का और उसके साथ में ट्यूबवेल। ये घर देख रहे हैं आप, एक टाइम था ये बहुत बड़ा लगता था मुझे, और आज देखो कितना छोटा सा है, मेरी हाइट इसके बराबर हो गई। ये है भोपाल की ट्यूबवेल। उस होदी में नहाते थे, ये होदी पहले नहीं होती थी, ये सिर्फ एक ही होदी है जो हुआ करती थी, देता भी यहाँ पहले नहीं थे, अब बना दिए गए हैं। यहाँ एक आम का पेड़ होता था जो अब काट दिया गया, अब ये एक पेड़ यहाँ है। और ये है वो, यहाँ पहले लकड़ी का छोटा सा दरवाज़ा होता था, टीन की छत नहीं थी, लकड़ी की जो छत थी पहले वो थी इसके ऊपर। कितनी यादें जुड़ी हैं इस अकेली जगह के साथ, भोपाल की ट्यूबवेल। ये सिस्टम अब आया है ऐसे बोरिंग करके इसमें से पाइप बाहर निकालना। पहले यहाँ पूरा कुआं खोदा गया था कच्ची उसका, और हम रस्सी बांध करके उसमें उतरते थे, नीचे से पानी फिर खींच के खोदी में जाया करता था। इस कोठे से मैं आज भी इसे पहचान पा रहा हूँ। हमारे गांव में कुछ 6 या 7 हैंडपंप लगे थे और ये सब खेत हुआ करते थे। यहाँ देखो गांव कितने बाहर तक फैल गया है, ये एक स्कूल यहाँ बनाया गया है, पहले यहाँ कोई स्कूल नहीं था। गांव बढ़ता जा रहा है, यहाँ एक तालाब होता था, तालाब की सारी मिट्टी को, मतलब तालाब को मिट्टी से भर दिया गया है। मुझे याद है जब भी बारिश होती थी तो सारा पानी उस तालाब में भर जाता था और फिर हम जा करके उस तालाब में नहाया करते थे। आज यहाँ इसी तालाब के ऊपर ये सब चीज़ें बनी, ये सब कुछ भी नहीं होता था पहले, चूड़ों के कुछ घर हुआ करते थे बस। आई कैन सी ए पब्लिक टॉयलेट ऑल्सो। यहाँ से गांव शुरू हो जाता है, ये पता नहीं किसका घेर है, पहले तो नहीं था। किसी भी वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, उसको रिकॉर्ड करना और फिर एडिट करना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपकी सपोर्ट, आपका प्यार हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ घर नहीं थे, खुली जगह हुआ करती थी पहले। लो जी ये पहली यादगार, ये सोनी और का घर। सॉरी ये रणबीर, सबको जानता हूँ। क्या है जी, पहचान लिया आपने? ओह कैसे जी, और पहचान देना, कैसे जी, ठीक ठाक? हमने कोई काम कर दिया, सबसे पहले गांव में घुसते आप दिखे मेरे को। देखो नरेश भाई ठीक ठाक? नमस्ते जी, कहाँ चल रही है आप? चाय? नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं चाय वगैरह पी के आया हूँ, जरूरत नहीं है। आज मैं आया था इधर करीब 15 साल बाद आ रहा हूँ, मैं अभी हिसाब लगा रहा था, 5-6 में लास्ट टाइम मैं आया, 15-16 साल बाद। टाइम कैसे भाग रहा है पता ही नहीं चल रहा है। कभी हम छोटे छोटे से यहाँ इन गलियों में घूमा करते थे। और बिना कहाँ करे अच्छा, गुड है।
अभी कितना बड़ा घर बना लिया किसका ये भोपाल का हाँ। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रखी है ना कच्चा घर होता था वहाँ पे और उसके बाद इधर आगे थे वहाँ भी कच्चा घर ही था एक छोटा सा आगे बनाया था इन्होंने तो इतना बड़ा घर क्यों बना रहे हैं परिवार बढ़ गया अचानुज का भी संदीप का भी कितने बड़े हो गए अब 15-16 साल 18 साल मतलब एक पूरी जनरेशन चेंज हो गई है बहुत बदलाव सारे सबके ब्याह सब हो गए लड़के अपने ससुराल में चली गई और भाई जो वैसे थे बाल बच्चे कार हो गए लड़के और हम भी साथ साथ कुछ जगह नहीं मैं तो नहीं भाई फिर काट दो अरे अकेले मेरे लिए चाहिए ये ये मिलने मिलाने और बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहा गांव के बाकी लोगों के साथ भी 15 साल हो जाए तो एक बार आने का जरूर करेगा ही करेगा अब बड़े बड़े घर होगी बापू बापू तो महीने दो महीने में ये जो सामने आप खाली ज़मीन देख रहे हैं यहाँ हमारा पेरेंटल हाउस हुआ करता था मेरी दादी मेरे दादाजी यहीं पर रहते थे और इसके एग्जैक्टली सामने है हमारा एक छोटा सा बाग यहाँ मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं आज घर टूट चुके हैं यहाँ रह गया है तो सिर्फ खाली ज़मीन का टुकड़ा पिलखन के पेड़ के इधर है बचपन में लगता हम छोटे होते थे जगह बड़ी लगती थी अब हम बड़े हो गए तो जगह छोटी लगने लगी अच्छा ये खंबा तब से ऐसे ही खड़ा है मेरे घर के सामने भोपाल का घर है और उन्होंने मुझे घर चाय के लिए बुलाया है क्या बनोगे नहीं चाय पी ली मैंने हाँ अभी आते वो नरेश और अमरीश मिल गए थे ना तो उन्होंने चाय पिला दी है दो दो बार चाय थैंक यू बेटा सबके साथ बैठकर पुरानी यादों को ताज़ा करने का अपना ही एक अलग अनुभव रहा मुझे सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा ये तो दूसरा अनुज लग रहा है सेम है छोटा ऐसे ही तो था वो क्या ले बिने हाँ भाई और बताओ ठीक ठाक क्या बोला मास्टर क्या बात है मास्टर जी पढ़ा करते पाला अच्छा तो तब से मास्टर जी नाम पढ़ा हुआ है फोटो खींच रहा है हां फोटो खींच रहा हूं लो भी पढ़ा हुआ है जो नाम भूमि का हो गया बिलासपुर स्कूल पढ़ा हुआ है अभी भी पढ़ा रहे हो क्या हां बहुत तो सही काम चल रहा हां अब तो बिना मका दादी हां से कैमरा है उम्मीद है आपको भी एपिसोड उतना ही अच्छा लगा होगा जितना मुझे अपने गांव में जाकर लगा बने रहिए मेरे साथ बहुत मिलेंगे अगले एपिसोड में मेरा गांव मेरा देश सीरीज उत्तर प्रदेश